दूसरा आता कहां से रे? चलो सुनेंगे कचरे की कहानी। कचरा आए कहां से? जरूरी कुछ ना जरूरी किसका जरूरी होता है
खेल रही हूँ। चल मेरे अच्छे बेटे, तेरे पापा ऑफिस से आएंगे, उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। माँ मैं खेल रही हूँ ना। अरे जल्दी जल्दी, सिर्फ 5 मिनट है उनके आने में, कचरा बाहर फेंक दे। माँ लेकिन कितनी दूर तक जाना पड़ता है, मैं खिड़की से फेंकूँ जैसे तुम रोज फेंकती हो? अरे मैं रात को फेंकती हूँ, सुबह फेंकूंगी तो पकड़ी नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं भी रात को ही फेंकूंगी। अच्छा ठीक है। ये क्या हुआ जी? अरे शॉर्टकट लिया तो पिछवाड़े की बिल्डिंग से इसने कचरे की थैली फेंकी। हाय दया, कौन थी वो कर्मुई? पर लगता है वो देश सहेली के घर से ही आया होगा। फिर मैं भी कचरा खिड़की से फेंकूं? नहीं, आज से ये कचरा घर में ही रहेगा और सुबह कचरे वाले को ही दे देना। कचरे वाले नहीं भाई, सब सफाई वाले, कचरा तो हम करते हैं। तो दोस्तों ये था घर का सीन। अब देखो पब्लिक स्पेसेस, सार्वजनिक मालमत्ता, ये है हमारी बंबई की प्यारी प्यारी ट्रेन। ए भाई सिपाही को शूज मत रखो। ए तू चुप, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? ये गाड़ी भारतीय जनता की संपत्ति है। सिंग सिंग गरम गरम, सिंग सिंग गरम गरम, सिंग सिंग गरम गरम, सिंग सिंग गरम गरम, सिंग। अब देखो ये पहले यात्री जो मूंगफली के छिलके और थैली ट्रेन के डब्बे में ही डाल देते हैं। अब देखो ये दूसरे यात्री जो मूंगफली के छिलके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब देखो ये तीसरे यात्री जो मूंगफली के छिलकों की थैली बाहर ट्रैक पे ही फेंक देते हैं। अब देखो ये चौथे यात्री जो मूंगफली के छिलकों की थैली स्टेशन के बाहर अलग अलग डब्बे में डालते हैं। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कहते रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। तुम कौन हो बहन जी? मैं हूँ वही कचरे का डिब्बा। अच्छा वो 8,000 टन खाने वाला? खुश होती हूँ जब आता है कोई कचरा उठाने वाला, पता है लोग कैसे कचरा फेंकते हैं। कुत्ते मारी साथी मेरे कचरा था घर का और पब्लिक स्पेस का। इसके साथ आता है अस्पताल का कचरा जो बहुत जहरीला होता है। इसमें सुई, बची हुई दवाइयां, कारपूस, खून से भरे कपड़े और फिर ये कारखानों का कचरा। इसके अलावा बहुत सारा कचरा जो कचरा मैदान में जाता है। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तुम्हें फ्लॉपी याद है? वो क्या होता है? अच्छा VCR VCD? नहीं नहीं, AC मशीन्स, पुराने मोबाइल, ये सब जाते हैं कचरा मैदान में। फिर आता है हरा भरा कूड़ा यानी कि बगीचों का कचरा, पत्ते, टूटे हुए पेड़, ब्रांचेस वगैरह वगैरह। हम जो भगवान पे फूल चढ़ाते हैं वो भी तो यहीं पे आता है। और पता है तुम ये सब कैसे फेंकते हो? बिल्कुल लापरवाही से। सुई, पत्रा, एसिड बोतले, जो सफाई करने वाले रहते हैं, जो कचरा उठाने वाले रहते हैं, क्या हम उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं? तो हमें क्या करना होगा? तुम ही तो हो जो सब कुछ कर सकते हो। ए भाई जरा देखते चलो, ए बहना कहाँ देखते चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं पाए भी, ऊपर भी नहीं। कर सकते तो म्युनिसिपैलिटी 8,000 टन कचरा कैसे अलग करेगी?
मिक्स नहीं करना या तो मिक्स नहीं करना, सूखा अलग रखना, गीला अलग रखना, सूखा अलग रखना, गीला अलग रखना, कचरा ना जलाना, कभी ना जलाना, प्रदूषण फैलेगा, सबको बचाना, कभी ना जलाना, कभी ना जलाना। क्या हम और आप मिलकर ये बदलना चाहेंगे? हम और आप मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आजादी के पहले हमारे देश में आंदोलन हुआ था, अब सर पे मैले की टोकरी लेकर कोई नहीं जाएगा। अब हमें कहना चाहिए, हमारे घर का कचरा हम अलग करेंगे, इसमें कोई हाथ नहीं डालेगा। पर इसके लिए हमें क्या करना होगा? बस आपको आपके घर का या ऑफिस का, स्कूल का या अस्पताल का कचरा अलग अलग करना होगा। फिर इसे क्या होगा? अरे भाई साहब, फिर सूखा कूड़ा, साफ सुथरा कूड़ा रिसाइकलिंग होगा और बाकी गीले कूड़े का खाद बनेगा। ए भाई, जरा देख के चलो, कचरा चाहे नहीं आगे भी नहीं पीछे भी, थूकना नहीं रास्ते में कभी नहीं, कचरा नहीं फेंकना नाले में, रेलवे की डर में समुद्र में, कचरा उठने से दिक्को में, होली गीला सूखा सीख ले। तुम्हारा नाटक तो रोज ही चलता है, हर छह महीने, हर छह महीने हाथ में झाड़ू लेकर कोई घोषणा करता है। गांधी जी ने क्या सिर्फ घोषणा की थी, आजादी के स्वयंसेवकों को उन्होंने स्वच्छता के काम में लगाया। संत गाड़गे महाराज, संत टुकड़ो जी महाराज उनके संदेश गांव गांव में ले गए। हल्ली हर हम खुद गर्द बनने लगे है। Not in my backyard, मेरा घर और आंगन साफ रहना चाहिए। मुझे और उसे क्या लेना देना, कचरा याने गलत जगह पर रखी हुई चीज सही जगह पर रखा तो उपयोग में आ सकती है। चलो मुंबई साथ साथ, लगे मुंबई साथ साथ, चलो मुंबई साथ साथ। स्वच्छता है वो बहुत जरूरी होती है जब हम महिलाएं और लड़कियां
के लिए स्वच्छता देखते हैं, इसलिए हमने इस साल एक रिपोर्ट किया जहाँ हमने एनजीओस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, काफ़ी फाउंडेशन से बात करके एक रिपोर्ट बनाया। ये जो ये बात कम होती है, बायोलॉजिया ने भी मेंशन किया आज पहले, पर ये बहुत कम बात होती है, पर ये जो अस्वच्छता उन महीना पे उन दिनों में होती है वो लड़कियों महिलाओं के लिए बहुत नुकसान दे सकती है। और तीन नुकसान होते हैं, एक तो सेहत का, दूसरा शिक्षा में, और तीसरा वातावरण। सेहत में बीमारियाँ हो जाती हैं जो लड़कियों महिलाएँ ठीक पैड या अच्छा कपड़ा नहीं इस्तेमाल करती हैं, उनमें 70% ज़्यादा चांस होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या RTI होने का। देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर से डेथ इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि 25% वर्ल्ड की वो डेथ्स इंडिया में होती हैं इस कारण से। दूसरा है जो मैंने बोला शिक्षा का, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन दिनों अगर टॉयलेट्स ना हो, पानी का सुविधाएँ ना हो, तो लड़कियाँ बहुत सारी स्कूल ही नहीं जाती उन दिनों में। 4-5 दिन महीने में उनका स्कूल छूट जाता है, और उसके बाद फिर कई बार स्कूलिंग रह ही जाती है और वो स्कूल छोड़ देती हैं। ये है कि हमने इंडिया में भी देखा है 20-22% लड़कियाँ जो 12-13 साल की होती हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। BMC में भी ये देखा जाता है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा स्कूल छोड़ देती हैं, और 30% का अंतर है। शिक्षा का फर्क इसलिए भी पड़ता है कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं, अगर हम अच्छे से सुविधाएँ ना दें ये टॉयलेट्स का और स्वच्छता का, तो फिर कई बार फीमेल टीचर्स भी नहीं आती। वो भी 2-3 दिन महीने में अगर ना आए तो देखो पढ़ाई का क्या होगा। और ये बात तो हम बहुत ही कम सोचते हैं, सिर्फ पढ़ने वाली लड़कियाँ का ही सोचते हैं ज़्यादातर। तीसरा है वातावरण पे जो असर होता है, हम अगर गर्ल्स पैड्स यूज़ करती हैं या गंदा कपड़ा से यूज़ करती हैं वो कहाँ फेंका जाता है। अभी हमने प्ले में देखा इधर उधर फेंका जाता है, कोई डस्टबिन तो होता नहीं, वेस्ट के लिए उठाया नहीं जाता। और आपको मालूम है कि एक पैड जो है उसको 500 से 600 साल लग जाते हैं डीकम्पोज होने, और हर एक लड़की जो या महिला अपनी ज़िंदगी में 100 किलो का वेस्ट क्रिएट करती है ये पैड से। इतनी बुरी हालत है, इसलिए हमें इसका ज़रूर सोचना चाहिए, इसका वेस्ट स्वच्छता सैनिटेशन सबसे मतलब रखा जाता है। और ये जो महीने के इन दिनों में अस्वच्छता होती है, इसके भी तीन कारण हैं जो हमारी रिसर्च से पता चला है। एक तो है कम जानकारी, 70% लड़कियों को तो पता ही नहीं होता ये क्या होता है जब तक वो 12-13 नहीं होती और उनको पहला पीरियड नहीं आता। अब जब हमने रिसर्च किया, हमारी बात एक 12 साल की लड़की से हुई जिसने कहा उसको तो लगा था उसको कैंसर हो गया क्योंकि उसकी मदर की डेथ कैंसर से हुई, तो उसको लगा यही होगा। उसको मालूम ही नहीं था कि हर लड़की को ये होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जब तो फिर उनको महामारी का पता ही नहीं, तो बाद में अपने आप की सफाई कैसे रखनी है, क्या स्वच्छता रखनी है, उसका तो फिर उनको कहाँ से पता होगा। ये जानकारी तो इतनी कम है तो इसलिए अस्वच्छता और बीमारियाँ बढ़ती हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम अभी काफ़ी बातें होती हैं टॉयलेट्स की, वो नहीं है तो फिर वो लड़कियाँ कहाँ जाएँ दिन में, अपने आप को सफाई कैसे रखें, जो पानी की कमियाँ होती हैं तो सफाई रखी कैसे जा सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ये बीमारियाँ फैलती हैं या शिक्षा पर फर्क पड़ता है। और तीसरा है कि जो लड़कियों को मालूम भी है या महिला को मालूम है उनको पैसे अब मिलते नहीं हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कई और कईयों को जानकारी भी नहीं होती। तो हमने देखा है कुछ टाउन में तो जैसे जुराबों में रेत डाल के वो इस्तेमाल किया जाता है, और वो कब बदला जाता है वो तो लड़की पे डिपेंड करता है कि ऊपर जितना नॉलेज हो, पर वो फिर बीमारियाँ कुछ भी उससे फिर बुरे असर होते हैं। तो हमने जब ये रिसर्च किया, हमने बेसिकली इन तीनों मुद्दे को देखते हुए 4 समाधान निकाले। एक तो है कि जो जिसकी हम सब बातें कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूलों में, घरों में, कम्युनिटीज़ में, कि और माहौल बनाया जाना चाहिए जहाँ लड़की को शर्म ना आए
इन दिनों में, और वो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं, अपना आत्मा समान बना रहे उनका। और अगर वो स्कूल जाना चाहती हैं तो जगह हो, जहाँ वो अगर काय कदम ना चाहती हैं दिन में तो कोई जगह हो उनकी जाने की, उनको बिल्कुल सुबह या रात तक वेट ना करना पड़े जैसे हम हमारी बातें हैं। और ये बीएमसी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हैं, इसको बहुत खास ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूरी सुविधाएँ लड़कियों को सोचते हुए बनाई जानी चाहिए। सफाई के लिए पानी, बकेट, मग होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि हमने वीडियोस में भी देखा वो तो बहुत ही कम जगह होता है। पर्दा या दरवाज़ा होना चाहिए पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए। डस्टबिन हो जहाँ वो वेस्ट फेंका जा सके, और जैसे हम सब चाहते हैं कि उचित जगह हो, जगह हो, वेंटिलेशन हो। और ये सिर्फ चीज़ों की सब लोग चाहते हैं कि बस बीएमसी या जो भी टॉयलेट बनाते हैं सोचना पड़ेगा। जैसे हम एनजीओस के साथ हम काम भी करते हैं, तो पूना अभी मैं म्यूनसिपैलिटी पिछले हफ्ते ही वहाँ थी, जहाँ पूना म्यूनसिपैलिटी ने फंड्स दिए हैं एक एनजीओ को शेल्टर जिसके साथ हम काम करते हैं कि वहाँ एक घर के साथ एक टॉयलेट बना जाए, और इतनी जगह हो कि ये सारी सुविधाएँ दी जा सके लड़कियाँ के इन पर्टिकुलर। दूसरा है कि जब जानकारी नहीं होती तो जानकारी बढ़ाई जाए, और वो इन पर्टिकुलर माताओं को, वही बेटियों को बताएंगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे सफाई रखनी है अपनी, अपना ध्यान कैसे रखना है। कई बार ही तो माताओं को नहीं पता होता, पूरी नॉलेज होती है, तो उनके लिए भी अच्छा है, उन पर भी अप्लाई करते हैं, अपनी बेटियों को भी बता सकती हैं, वैसे उनके दोस्तों को भी पता चल जाता है। और काफ़ी एन जी ओज ऑलरेडी इस स्पेस में काम कर रही हैं, ये स्कूल्स में भी अगर जानकारी दिलाई जाए तो उसके भी बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, और हमें सोचना चाहिए। तीसरा है कि हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ पैड्स पे हम सब क्यों यूज़ करते हैं, कपड़े या अन्य विकल्प का भी हम सोच सकते हैं कि अगर इस्तेमाल हो सके, वेस्ट का हो सकता है सोल्यूशन हो, पेपर ही वो ज़्यादा आसान हो, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो। कपड़े के भी आजकल अच्छे कपड़े के भी मिलते हैं, हम एक एनजीओ के साथ काम करते हैं, और कई एनजीओ काम कर रहे हैं एरिया में कि ना कपड़े का यूज़ किया जाए और वो अच्छे से साफ किया जाए, तो वो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथी चीज़ है कि जब अगर कोई बीमारी हो तो जानकारी बढ़ाई जाए कि लड़कियों या महिला कि कब जाना है हमने डॉक्टर के पास, ये कब पता करना चाहिए, कि डॉक्टर उनको एडवाइस कर सकता है कि वो उनका ख्याल कैसे रखें अगर जाना पड़े। नहीं तो ये ऐसा मुद्दा है कि लोग उसकी बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना उसका अपना ध्यान रखते हैं, कभी फिर वो बीमारियां पड़ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए यहाँ ला रहे हैं क्योंकि हमने जब ये रिसर्च किया है सारा, हमने सैनिटेशन पे भी, और हमें ये बहुत बड़ा क्रॉस कटिंग मुद्दा है जो सारी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है, और हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आज बस 5 मिनट के पर हमने सोचा कि ये मुद्दा सबके साथ शेयर किया जाए, बताया जाए कि लड़कियों के लिए ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएं तो कितना अच्छा हो, और स्वच्छ भारत कैंपेन में सिर्फ टॉयलेट्स ना बनाए जाएँ, बाकी चीज़ें